प्रिटेंडिंग वन, यू नो, मतलब हम ऐसा बताने की कोशिश करते कि हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, बट डीप इनसाइड वी वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग जो मल्टी में हो रही रहती है. मतलब ऐसे तो मैं बताती नहीं हूँ कि मुझे किसी से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, बट मैं चौबे जी से पूछ लेती हूँ कि उसके घर में क्या हो रहा है. अच्छा, आपके घर में अनाज आ गया क्या? ओ, उनकी बेटी फेल हो गई. अच्छा, शर्मा जी ने ऐसा कर दिया. मम्मी, मम्मी. हाँ बिट्टू, बोल. चौबे आंटी और सामने वाली आंटी बात कर रहे हैं. अच्छा, लड़ने में कोई ऐसा मजा नहीं आता, ना मैं ऐसे पैदा होके आई थी कि मैं लड़ूंगी, पर लोग ऐसे काम ही करते. भैया हम क्या कर सकते. कल की बात है, शर्मा जी आए और हमारे घर के सामने उनका न्यूज़पेपर पटक के चले गए. नहीं मतलब हमारा घर क्या धर्मशाला है कि कचरा खाना है? क्या समझ के रखा है तुमने हमारे घर को? हमारे घर के सामने आगे कुछ भी ढेंगा ढाल देंगे. अभी आया उनकी बीबी, फिर बताती हूँ जरा उसको, बताऊंगी तुम्हारे पति क्या करके गए हमारे घर के सामने. चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं. तुम तुम्हारे घर के अंदर, हम हमारे घर के अंदर, सुखी तो रहेंगे कम से कम हम. बीपी हाई हो जाता है साले इन लोगों के कारण. कौन जीवन फंस गया है. हेलो, आई एम हस्बैंड ऑफ हिम, हर हर हर. पहले तो सुधा अच्छी थी, न जाने क्या हो गया अब उसको. क्या बोले? अरे सुधा, न्यूज़पेपर ही तो रख के गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. कल मैंने उनके घर के सामने का दूध पी लिया था, उनने तो कुछ नहीं बोला. तू काहे को लड़ने जा रही है? औरत जाति खराब है. उस दिन मैंने इन सब लोगों के घेरे में आके शादी नहीं करी होती ना, तो मैं आज बहुत सुखी जीवन जी रहा होता. आप लोग मत करना ऐसी गलती. हाय, आई एम द ताका झांकी करने वाली आंटी. आप लोग तो मुझे जानते ही होगे ना. देखो मतलब ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं रहता है कि किसी के घर ताका झांकी करना है, बट ऐसा देखना तो पड़ता है ना कि कौन के घर क्या आ गया है. हाँ मतलब पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है ना कि आज नहीं तो कल हमें तो जरूरत पड़नी ही है आपकी. आपको भी पड़ेगी, हम लोग भी हेल्प करेंगे, पर यू नो देखना पड़ता है बस कि किसके घर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. चाय पत्ती आ गई, शक्कर आ गई, गेहूं आ गया, आटा आ गया, सब आया है कि नहीं, ये सब मुझे ध्यान रखना पड़ता है. देखो देखो चिंकी के पापा, चौबे जी के घर तो हैंड ब्लेंडर आ गया है. गेहूं आ गए, अरे वाह. चीनी आ गई, अरे वाह. चाय पत्ती ले आए क्या? अरे वाह, आपने कैंट का वाटर कूलर खरीदा, चलो अच्छा है. हाँ, मैं सोच रही थी चिंकी के पापा से बोलूं कि उनके दूर के दोस्त हैं, उनसे पूछ के तो आए, देख के तो आए कि इस वाटर कूलर में ठंडा होता है कि नहीं पानी. हाँ मतलब पी के तो देखे कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है. नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है, कल ना मैं चिंकी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो आप बोलो तो मैं थोड़ा सा पानी कल ले लूंगी. ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वही बता देंगे कैसा है, ठंडा है कैसा है. हाय, सो वी आर इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पीपल, मतलब हमको घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. तुम तुम्हारे घर में, हम हमारे घर में. मतलब हम हमारे बच्चों को भी यही सिखाते हैं, किसी पे ध्यान मत दो, किसी को ध्यान मत दो. ए छोटू, इधर आ, ले 50 रुपए ले और शर्मा जी की दुकान से चीनी ले आ जा. और सुन सुन सुन, चप्पल बजाते हुए मत जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए तू नीचे गया है, ठीक है? और कोई अगर बात करने की कोशिश करे तो चुपचाप वहां से निकल जाना, बोलना मत ज्यादा. जा. हम कौन है ये तो आपको हमसे बात करने पे ही पता चल जाएगा. वी आर मिस्टर शर्माज, मतलब हमारे बच्चे गधे ही सही, पर हम अपने बच्चों की तारीफ करना नहीं भूलते. देखो मेरी दो बेटियां हैं, प्रियंका और ऐश्वर्या,
प्रियंका को हम प्रियंका चोपड़ा से और ऐश्वर्या को ऐश्वर्या राय से कम नहीं समझते हैं। कल की बात है, प्रियंका ने पूरे घर का काम कर दिया भाई, एक काम नहीं छोड़ा उसने। अभी ऐश्वर्या की फाइनल एग्जाम आने वाली है 12th की, पूरे रात दिन भर पढ़ती है लड़की। प्रियंका के हाथ की रोटी तो इतनी लाजवाब बनती है, क्या बताऊं वर्मा जी, कोई ऐसा काम नहीं है जो वो लड़कियां नहीं कर पाती है। हम लोगों को तो उठना भी नहीं पड़ता, अपने आप घर के सारे काम हो जाते हैं। बहुत बहुत मजे हैं हमारे जीवन के तो बहुत। और ऐश्वर्या को तो बेस्ट स्टूडेंट होमवर्क करने का भी अवार्ड मिला है। बहुत प्यारी बच्ची हमारी, बहुत प्यारी। प्रियंका को डांस क्लास में मोस्ट फ्लेक्सिबल स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। सोच रहे हो आप, समझ रहे हो। अजी ये भी बताओ ना कि ऐश्वर्या को भी बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला स्कूल से। आई एम मिस्टर चौधरी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ मिस्टर चौबे जी। हम लोग बेस्ट फ्रेंड इसलिए हैं क्योंकि हम दोनों को बात करने में बहुत मजा आता। अभी लॉकडाउन में तो हम लोगों ने बहुत बात करी। सुबह उठते से हम लोग बात करते थे, खाना खाने के बाद बात करते थे, सोने से पहले जाने के बाद करते थे, फिर शाम को छत पे जाके बात करते थे, फिर खाना खाने के बाद फिर छत पे जाते थे, फिर बात करते थे, फिर सोने के पहले तक बात करते थे। इतनी बात करी है मेरे से चौबे जी ने। अरे अरे आओ आओ चौबे जी, आप ही की तो बात चल रही थी, आओ आओ बैठो बैठो। सुमित्रा चाय लेके आना, और वो तूने क्या बनाया है वो भी लेके आ जा, पानी भी लेके आना। प्लीज दिल पे मत लेना, ये मैंने वीडियो सिर्फ फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था। एंड इफ यू एंजॉयड इट गिव इट अ बिग थम्स अप, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो अगर आपके कोई ऐसे रिलेटिव या आसपास फ्लैट में कोई रहते हो, तो अगर आप फ्लैट में रहते हो तो मे बी पॉसिबल कि आप ये रिलेट कर पाओ। सो चलो मैं चलती हूँ, बाय।